माँ बता को दिन जाएगा और बाबा साहब विचार चलने वाले राजा भैया का देना है आरी पर। बाबा साहब का नाती पोता है तो उनके विषय में बताया पाव जी। मीडिया भाजपा की रखेल हो गई है। ए, हम लोग इनको मिलाने के लिए चुनी रखे हैं। 10 तारीख को उनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा। चुनी रखा है देख नहीं रहे हो, जने उने सब पहरे हैं, जात की समार है और जो है नाम क्यों नहीं। बहन जी नंबर एक पे हैं, बहन जी लोग हम तो वोटिंग करेंगे, बहन जी हम लोग जिताएंगे। माहौल में तो हम बहन जी का पुजारी हूँ और बहन जी प्रचारक भी हूँ। बहन जी हमारे सबके लिए जो है वो जिस तरह से हम लगातार आपको बाबागंज में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस समय हम गांव हरिहरपुर में हैं और विधानसभा बाबागंज में हम यहां की जनता से जानेंगे इनका क्या मूड है। चुनावी माहौल भी चल रहा है, लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी हो चाहे जो पार्टी हो अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने में लगी है। तो यहाँ की जनता से जानेंगे कि इनका रुझान क्या है, इनका मूड क्या है, किस तरफ ये जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, या योगी के कार्यकाल से कितना खुश हैं, या यहाँ से जो विधायक हैं विनोद सरोज जी क्या काम किए हैं, क्या काम किए हैं भैया विनोद सरोज जी। देखिए दरअसल बात यह है कि 25-30 साल से एक ही व्यक्ति लगातार विधायक है, इससे पूरी बाबागंज की जनता जो है ऊब चुकी है, अब नए सिरे से परिवर्तन करना चाहती है। और इस बार जो है इस समय 2022 के लिए जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर हमारे करीबी माननीय सुशील कुमार गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं BSP से, जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है और उनका चुनाव प्रचार भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। प्रत्येक गांव में पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से समय दे रहे हैं। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं आप लोग? लगातार जिस तरह से जनसत्ता दल के विनोद सरोज जी यहाँ से विधायक हैं 25 साल से, उनको बदलना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, नए सिरे से बदलाव होना चाहिए और ये पूरी जनता ने मन बना लिया है कि बदलना है। किसको ला रहे हैं बदल रहे हैं? तो हम ही लोग तो जो है अभी BSP से जो उम्मीदवार हैं माननीय सुशील गौतम जी, उन्हीं को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने BSP का शासन भी देखा है 2005 से 12 तक, काफ़ी अच्छा शासन व्यवस्था रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार ने काम किया है। और नहीं, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगा आपको? नहीं, योगी जो तो केवल कागजी घोषणा पत्रों में ही अपना 5 साल बिता दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं किए हैं। देखिए आप फसलों को देखिए कितना नुकसान है, कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, और जब किसान की आय को दोगुनी करने का समय आता है तो उनकी प्रत्येक योजना जो है 5 साल के ऊपर की होती है। जैसे चुनाव की तिथि घोषित होती है वैसे उनकी योजनाएं घोषित होती है और वो अगले विधानसभा को टारगेट करके उनकी योजना होती है। तो दादा आप जो है किसको सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को? हम तो भैया नहीं की सपोर्ट करते। क्या नाम है बताइए किस पार्टी को? इनका सुशील गौतम का। सुशील गौतम को अगली बार जो है किस पार्टी को वोट दिए थे? अगली बार तो उनको राजा भैया की पार्टी की। तो क्या उनका शासन अच्छा नहीं लग रहा है जो परिवर्तन करना चाहते हैं आप? अरे तो भाई कहाँ से अच्छा लगे, वो कई साल से इन्हीं की पार्टी है। नहीं विधायक आपके ही समाज से, ऐसी समाज से क्या काम नहीं कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं, काम तो कुछ नहीं हो रहा है, यह साण दुनिया भी छोड़े यहाँ खेती बाड़ी चरा जाता है। क्या कहेंगे आप युवा हैं, बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का यही है कि जो सरकार तत्कालीन सरकार चल रही है और इसमें देखा जाए तो कोई भर्ती ढंग से आई नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है, बेरोजगार सड़कों पे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ये लोग भी बहुत ही परेशान हैं, लखनऊ इलाहाबाद के चक्कर काट रहे हैं बच्चे, भर्ती तो कुछ आई नहीं है। हम लोग भी अब की बार अपनी नई सरकार लाना चाह रहे हैं, इसी के लिए जुटे हैं। कौन सी सरकार लाएंगे, कौन सी सरकार पसंद करते हैं? हम तो सबसे अच्छी सरकार BSP को मानते हैं, जो कि 2007 से हमने देखा था। मीडिया में तो दिखाया जाता है कि BSP टक्कर में ही नहीं है, BSP कहीं है। मीडिया वालों का काम ही यही है, वो कभी BSP को नहीं दिखाएंगे, जबकि BSP का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है 22% प्लस मत लाने का, चाहे वो कितनी भी सीट पाए, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे। मीडिया वाले हमेशा यही दिखाएंगे कि ये जीत रहे हैं, फलना जीत रहा है, जीतना जीत रहा है। सत्ता दल वाले भी जो है दावा करते हैं कि ऐसी समाज हमारे साथ, हमको वोट करता है। करता है नहीं, जो कि लगातार देर हैं, पब्लिक भी देख रही है कि लोग इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन विधानसभा में हमारी बात ना रख पाने के कारण से हम लोग की परिवर्तन चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं देख रहे, केवल जो है आप लोग बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी देखा जाए तो बहुत ही घटिया सरकार है, ये जो 2012 के बाद से जब सरकार में आई थी तो इन्होंने शिक्षा को एक बुरी नज़र से देखा। इनके शासनकाल में जो भर्तियां थी वो एकेडमी पे होने लगी, आपको भी पता है
यूपी के तमाम लोगों को पता है कि जो यूपी में आपका आपको जो है विधायक जी का काम कैसा लगता है, कितना काम किए हैं जी? विधायक जी का काम जो है वो तो देख ही रहे हैं आप ही, नाली खड़िंजा वगैरह वगैरह गांव में। अभी हम आ रहे थे इस रास्ते से तो बहुत ज़्यादा गड्ढे थे रोड खराब जी। यही 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 विकास है और क्या होगा। विधायक जी का तो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जी? बिल्कुल, इस बार सुशील भैया विधायक बनेंगे। सुशील भैया कौन है? बीएसपी से प्रत्याशी हैं जी। जी जी। और क्या जैसे कि ग्रामीण में क्या विकास हुए हैं, शौचालय या कुछ भी मिले हैं कि नहीं? शौचालय हमारे ग्राम सभा में बना है, एक समुदाय शौचालय भी है। समझ में नहीं आता कि योगी जी से नाराज क्यों हैं आप लोग, वो राशन भी दे रहे हैं। योगी से नाराज राशन भी दे रहे हैं, बहुत चीज़ दे रहे हैं। नहीं देखिए, नाराजगी इसलिए है कि 5 किलो वो अनाज देकर पूरा 5 क्विंटल चरवा रहे हैं और हर व्यक्ति इन सांडों से इतना परेशान है कि रोड पर एक्सीडेंट करवा के ये कर रहे हैं। इनसे बहुत खतरा हो गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति रात बिरात कहीं भी रोडों से आ रहा है जा रहा है तो सांडों की चपेट में आकर जो है एक्सीडेंट हो रहा है। कितना कितने घायल हो रहे हैं। अभी पिछले 2 महीना पहले एक यहीं बढ़नी मोड़ पर एक व्यक्ति जो है सांड से लड़ा, 6 बजे शाम को वो ऑन द स्पॉट वहीं एक्सपायर हो गया। हमारे साथ में काफ़ी जो पीछे जो है महिलाएं भी हैं, माता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लगातार। क्या अम्मा किसको वोट देंगी अब की बार, वोट किसको करेंगी? किसको करेंगे भैया? नहीं यहाँ पे जो है बीएसपी है, मायावती यहाँ अखिलेश हैं, राजा भैया किसको देंगे वोट? मायावती को दिन जाएगा। राजा भैया को क्यों नहीं देंगे? राजा भैया का देना है, मायावती का देना है। नहीं निर्धारित करिए ना किसको देंगे आप, दोनों के देंगे क्या? दबाव है क्या? अरे दबाव तो नहीं है तो देना तो है भाई। किसको देना है? राजा भैया का देना है आरी पर। हम सब तो शिक्षित हैं और बाबा साहब विचार चलने वाले हैं। क्या बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब का नाती पोता है तो उनके विषय में बताया पाऊ जी। बाबा साहब तो पाखंड को लात मारते थे, आप चुनी रखे हैं। नहीं हम लोग इनको मिलाने के लिए चुनी रखे हैं। कैसे मिलाएंगे भाई? जो हमारे साथ गलत काम करेगा उसके विपक्ष काम करेंगे और विरोध भी करेंगे। जो हमारे सब लोग के यानी कि विपक्ष काम करेगा उसका विरोध करेंगे, पार्टी हो या कोई भी हो। विरोध कर रहे हैं किस तरह से इनको मिलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? यही चुनी उनी रखा है, देख नहीं रहे हो? जने उने सब पहरे हैं। दिखाइए जनेऊ, दिखाइए जनेऊ, दिखाइए जनेऊ। जनेऊ तो भाई अभी जो कौन से बिरादरी हैं? बिरादरी हम जात के चमार हैं और जो है नाग बंसी। देखिए जो है जाति के चमार हैं लेकिन जो है विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों को अपने तरफ लाने के लिए। नाग बंसी लगाते नहीं करते ना किसी जात और धर्म का विरोध करते हैं हम। ब्राह्मणवाद का करते होंगे ना, एक पैसा नहीं। अरे चुनावी माहौल पे बात करें तो किसको वोट करते हैं? चुनावी माहौल में तो हम बहन जी का पुजारी हूँ और बहन जी प्रचारक भी हूँ। बहन जी हमारे सबके लिए जो है वो यानी कि ट्रेन जैसा होता है, वो ट्रेन है, हम लोग डिब्बा हैं। राजा भैया का बड़ा दबदबा रहता है। राजा भैया हम सब साथे रहते हैं। राजा भैया चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग के मैदान भेजे हैं कि अपने इच्छा से लड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ जो है हम रोक लें, हम विरोध कर रहे हैं। राजा भैया और बहन जी का बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है। ये सब जनता कहती है, उन लोगों का कोई ऐसा कोई नहीं है जो है। कांप रहे हैं, डर रहे हैं का? नहीं नहीं डर तो रहे हैं। अरे नहीं चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? बहन जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं जिसमें से 300 सीटें बहन जी के खाते में जाने वाली हैं। नहीं मीडिया तो दिखाती है एक भी सीट नहीं जा रही आप 300 मीडिया 300 सीट को। अरे मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया की क्या बात करें? मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया है आज तक। मीडिया भाजपा की रखेल हो गई है। मीडिया ये भी कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है टक्कर में ही नहीं है। हम कह रहे हैं जो कहने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी टक्कर में नहीं है, आने वाली 10 तारीख को उनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा। 10 तारीख को क्या करें, कितनी सीटों से जीत करेंगे आप लोग? बता तो रहे हैं 403 सीटों में से 300 सीटें बहन जी की होंगी, पूर्ण बहुमत में आने वाली हैं। अरे इनाम के कितने लोग हैं यहाँ से बीएसपी के, कितने लोग हैं आप लोग बीएसपी को वोट देंगे? यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग समर्थक हैं और यहाँ पे दबदबा रहता है राजा भैया का जो जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक हैं। बात करते हैं और भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे चुनावी माहौल पर? मुद्दा बड़ा गर्म है। मुद्दा गर्म कुछ भी हो लेकिन बीएसपी नंबर एक पे है। कैसे लगता है आपको, कहीं जमीन पे भी नहीं दिखाई देती है? बहन जी भी नहीं निकलती थी, अब तो निकली हैं। मीडिया वाले बहन जी को दिखाते नहीं, बहन जी निकलती हैं। और बहन जी रैली भी कर रही हैं 2-4-6 महीने या पहले से 5 साल पूरा मेहनत की है लेकिन मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं। कुशवाहा भी शामिल हुई थी मीडिया वाले, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाया था। लेकिन अन्य पार्टी में कोई कुशवाहा वो जो
सीमा कुशवाहा हत्याकांड में तो राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। हाँ, लेकिन मीडिया वाले नहीं दिखाए थे सर। मीडिया बहन जी का शासन और प्रशासन सब लोग देखे हैं। प्रशासन सबसे नंबर एक था, शासन भी नंबर एक पे था, उसके बाद भी बहन जी क्यों नहीं। बहन जी नंबर एक पे हैं, बहन जी लोग हम तो वोटिंग करेंगे, बहन जी को हम लोग जिताएंगे। देखिए क्या होता है वंचित समाज में, एससी समाज में, आज भी बहन जी का जो है वोटर बना हुआ है, जो एससी समाज में वोटर बैंक होता है। क्या एक बहन जी जब भर्तियां निकाली थी एकदम साफ सुथरी वैकेंसी निकाली, साफ सुथरी भर्ती हुई थी, और सरकारों में भर्ती हुई थी, कुछ न कुछ पेच लगा हुआ रहता था, लेकिन बहन जी एक ऐसी भर्ती निकाली थी जिसमें साफ सुथरी एकदम भर्ती ने कोई किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। तो बहन जी नंबर एक पे हैं भर्तियों के मामले में, रोजगार भी देने में नंबर एक पे थी, इसलिए बहन जी को हम लोग वोट देंगे। बहन जी का काम महक रहा है, उनका चाम नहीं महक रहा है, उनका काम महक रहा है, इसलिए हम लोग बहन जी को वोट करेंगे। जो बहन जी के फिक्स वोटर होते हैं वो एसी समाज में पाए जाते हैं, लगातार जिस तरह से लहर चल रही है एसी समाज में।